सभी दोस्तों का वेलकम है। आज दोस्तों हम अपने बोगनविलिया के प्लांट को गर्मियों के लिए तैयार करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है तो ये गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हमें जो है कि रूट निकालनी होगी। तो रूट दोस्तों पहले हम इसकी देखिए, पहले हमने इसकी कटाई कर दी है, तो आपको भी अपने प्लांट की कटाई कर लेनी है। उसके बाद इसकी मिट्टी को हमको बाहर निकालना होगा। इसकी मिट्टी हमें वहाँ तक निकालनी होगी जहाँ तक इसकी फीडिंग रूट हमें ना दिख जाए। दोस्तों फीडिंग रूट में हम डायरेक्ट फर्टिलाइज़र देंगे ताकि हमारे प्लांट को जो है कि नई एनर्जी मिलेगी, जिससे हमारा प्लांट जो है कि फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी मिट्टी निकालनी शुरू करते हैं। तो मैंने ले लकड़ी से निकाल रहा हूँ मैं इसकी मिट्टी, तो आप कोई भी टूल ले सकते हैं। तो इसकी मिट्टी निकालनी है दोस्तों। इसकी हमें जड़ें काटनी नहीं है, बोगनविलिया के प्लांट को रूट बाउंड बहुत पसंद है, कि इसकी जितनी ज़्यादा रूट होंगी उतने ही जल्दी इस पर फ्लावरिंग होएगी। तो इसकी जड़ों को हमें काटना नहीं, बस हमें इसकी देखिए दोस्तों हमने जड़ें इसकी निकाल ली हैं, तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये इसकी फीडिंग रूट होती है, जो पतली पतली आप देख रहे हैं ये फीडिंग रूट होती है, यहीं से प्लांट एनर्जी लेता है अपने फ्लावरिंग के लिए। तो अब हम इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे वो आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पे ये बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है, इसकी जगह आप काऊ गोबर खाद भी ले सकते हैं। और इधर देखिए ये है नीम खली, तो 2 चम्मच मैंने नीम खली ली है ताकि हमारे प्लांट में कोई जड़ों में बीमारी ना आए। और ये बोन मील लिया है ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। और ये है सरसों की खली। तो दोस्तों ये सब आइटम जो है कि हम इसको मिक्स करके इसकी जड़ों में देंगे। तो ये दोस्तों हम एक बार हमको देना है, ये हमें बार बार नहीं देना है, बस हम अपने प्लांट को ये जो दे रहे हैं ये साल में एक ही बार देना है। तो दोस्तों अब हम इसको मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको एक बार साल में डालने के बाद इसको फिर हम लिक्विड जो फर्टिलाइज़र ही देंगे ताकि इसकी जड़ों तक जाए, ये हमें साल में सिर्फ़ एक ही बार करना होता है। अब हमारा प्लांट को जो हमने ये खाना दे दिया है, अब ये पूरे साल भर फ्लावरिंग करेगा। तो अब हमने इसमें देखिए डाल दी है। अगर आपको ये बर्मी कंपोस्ट नहीं मिलती तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, पर वो अच्छे से पूरी डीकम्पोज हो। तो ये देखिए इसमें हम मिट्टी डालेंगे। तो ये जो जड़ें आप देख रहे हैं ये घास की जो जम जाती है इसको हटा देना है आपको दोस्तों। ये हमारे प्लांट की एनर्जी जो ले लेती है, जो अभी हम प्लांट को अपने फूड देते हैं उसकी एनर्जी सारी यही ले लेती है। तो अब हम इसे इसमें हम डालेंगे, मिट्टी साफ़ करके डालेंगे ताकि इसमें दोबारा से कोई जड़ें ना रह जाएँ, जिससे इसमें घास जमने लगेगी दोबारा से। तो अब इसमें डाल देते हैं मिट्टी। तो हम अपने प्लांट को ऐसे ही दे देते हैं और उसके बाद हम इसे लिक्विड खाद ही देंगे। तो आप भी अपने प्लांट को ऐसे ही तैयार कर लें। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।